स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं आपको पढ़ा रही थी थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में हम आगे पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में और इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में, यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताए थे डिफरेंट थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि उत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहते हैं और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहते हैं। देखिए, कोई भी प्रोसेस जब हो रही होती है या कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हो रहा होता है तो उसमें दो फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स जो होती है उसको हम ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, जो कि प्रोसेस को आगे की तरफ लेकर चलती है, ठीक है। और एक अपोजिंग फोर्स होती है जो इसको अपोज करती है और जो इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है। तो उत्क्रमणीय प्रोसेस जो है वो कौन सी प्रोसेस है, जब एक ड्राइविंग फोर्स से एक अपोजिंग फोर्स जो है वो बहुत अनंत सूक्ष्म रूप से यदि कम है तो हम बोलते हैं कि किसी भी टाइम अगर हम अपोजिंग फोर्स को, यानी जो विपरीत बल लग रहा है उसको बढ़ा दें तो हम डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस जो है उसको बदल सकते हैं। यानी एक प्रक्रम जो इस दिशा में जा रहा है, यदि मैंने अपोजिंग फोर्स बढ़ा दी तो वो इस दिशा में जाने लगेगा, तो ये क्या हो गया, रिवर्स चली गई, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस होने लग जाएगी। तो ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है उत्क्रमणीय प्रक्रम, क्योंकि इसमें जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है वो एक दूसरे से बहुत ही अनंत कम मात्रा में ज्यादा है। तो जैसे ही मैं अपोजिंग फोर्स को बढ़ाऊंगी वैसे ही ये जो प्रोसेस है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। और क्या खासियत होती है रिवर्सिबल प्रोसेस की, ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, यानी बहुत ही धीमी गति से होने वाले जो प्रक्रम है वो उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। परंतु वास्तव में कोई उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं होता है, यह एक आदर्श स्थिति है। यानी हम ये मानकर चलते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है और हम इसको सिर्फ लैब्स में करवा सकते हैं, हम इसको अपने आप करवाएंगे, मैनुअल टाइप की प्रोसेस है, जब लैब में करवाएंगे तब ही उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, नेचर के अंदर उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। फिर हम बात करें इररिवर्सिबल प्रोसेस की। इररिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, जैसे कि हमने बताया, जब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स एक दूसरे से बहुत थोड़ा सा डिफरेंस पे है तो हम जो अपोजिंग फोर्स है उसको बढ़ाकर रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस को ले जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों में, ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्स में अंतर ज्यादा होगा, ये बहुत ही तेज गति से होने वाले प्रोसेस हैं और इसमें हम डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो जो है इररिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। यानी एक प्रोसेस के दौरान एक सिस्टम और सराउंडिंग, यानी कि जो तंत्र और परिपार्श्विक है उसके मध्य यदि कोई साम्य पाया जाता है तो वो प्रक्रम उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं, और यदि वो साम्य नहीं पाया जाता है तो उसे हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। ये जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, ये जो है वो आदर्श प्रोसेस है, कम पाए जाते हैं, आदर्श कंडीशंस में पाए जाते हैं, नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। तो हम देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। हम ये जानते हैं ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम को हम तीन स्टेटमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हम तीन कथनों से ऊष्मा गतिकी का पहला नियम समझा सकते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है हमारा ऊष्मा गतिकी का पहला नियम। वो क्या कहता है, पहले नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये है ऊष्मा गतिकी का पहला नियम का पहला स्टेटमेंट, और इसे ऊर्जा के संरक्षण या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम भी कहते हैं। फिर हम देखें कि जो इसका दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के संरक्षण का नियम हो गया। अब दूसरा जो है वो क्या है, वो ये कहता है कि यदि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई विलगित तंत्र है, तो उस समय जो तंत्र की
ऊर्जा है वह स्थिर रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? आइसोलेटेड सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, विलगित तंत्र वह होता है जो तंत्र परिपार्श्विक के बीच में, तंत्र और परिपार्श्विक के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, वह कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम, ना मैटर का होता है ना ऊर्जा का होता है। तो ऐसे तंत्र के लिए हम बोलेंगे कि उसकी कुल ऊर्जा जो है वो क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तीसरा कथन क्या है? पहले नियम का तीसरा कथन है कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनाई जा सकती है, ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है जो कि बिना ऊर्जा का प्रयोग करे कोई कार्य संपादित कर सके। आपको मालूम है कोई भी मशीन होती है, अगर आपको उसको वर्क करवाना है तो आपको एनर्जी देनी ही होगी। अब वो एनर्जी चाहे वो फ्यूल से ले, अब फ्यूल में पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, गैस हो सकता है। तो प्रथम नियम ये कहता है कि ऐसा कोई यंत्र अब तक नहीं बनाया जा सका है जो कि बिना ऊर्जा का प्रयोग करके कार्य करे, क्योंकि हमें मालूम है कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यदि आप ऊर्जा ही नहीं देंगे तो ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जो कि कार्य को करवा सके। तो ये थे हमारे ऊष्मा गतिकी के पहले नियम के तीन